हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको थालपोस बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की वूल ली है। 3.5 मिलीमीटर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। अब देखिए मैं थालपोस को बनाती हूँ। देखिए, ग्रीन कलर लेने के बाद इस तरह से मैं रिंग बनाऊँगी। ये रिंग मैंने बना ली है। अब इस रिंग में मैं 3 की चेन बनाऊंगी। देखिए, ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब देखिए, इसमें मैं 23 डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। 23 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, ये मैंने अब 23 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और चेन को मिलाकर हो गए हैं ये 24 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से आए हैं ये डबल क्रोशिया। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये रिंग बनकर आ गई है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और ये 6। ये मैंने 6 की चेन बना ली है। अब देखिए, 1 चेन को मैं स्किप करूंगी और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से 1, 2, 3 की चेन और देखिए 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से देखिए 1, 2, 3 की चेन और 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। नीचे से 1 चेन को छोड़ देना है और आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया डालना है और ऊपर 3 की चेन बनानी है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी रिंग में 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1, 2, 3 की चेन। अब देखिए, मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए, अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। अगली रो बनानी है। 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 1, 2 और ये 3। फिर 1, 2, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। देखिए 1, 2, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और एक ये 3। देखिए, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 1, 2 और ये थ्री की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। 1 2 3 यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, देखिए। और ये रो इस तरह से बनकर आ गई है, देखिए। 3 3 डबल क्रोशिया मैंने इसमें डाले हैं और 3 की चेन। देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, नेक्स्ट रो। इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, देखिए। ये हो गए हैं चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया। और देखिए इसमें डालना है चेन में 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया को बढ़ाना है इस तरह से। ये हो गए हैं 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 3 की चेन और फिर इसी तरह से 4 4 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 और एक ये 4, देखिए 4 डबल क्रोशिया। यहाँ से इधर से कम करना है डबल क्रोशिया को, यहाँ से, और चेन में बुनना है। फिर 1 2 3 3 की चेन, देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया, एक साथ 2 डबल क्रोशिया, देखिए। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाले हैं पूरी रो में। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, देखिए। अब इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है, आगे बढ़ाना है इस तरह से। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, देखिए। ये हो गए 2 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया, देखिए। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पे डालूंगी मैं चेन में 2 डबल क्रोशिया, देखिए। ये हो गए हैं 5 डबल क्रोशिया, देखिए। 5 डबल क्रोशिया ये मैंने डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन और फिर से 5 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 और एक ये 5, देखिए। देखिए ये 5, मैंने इसमें ये 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन और फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक ये 5, देखिए। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। 3 की चेन और 5 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है। 5 डबल क्रोशिया और 3 की चेन पूरी रो में मैंने डाले हैं। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। रो बनानी है, अब इस तरह से बनानी है। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया, 3 और एक ये 4। यहाँ चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया, 4 5 और एक ये 6, देखिए। इसमें मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 3 3 की चेन और फिर से 6 डबल क्रोशिया डालना है, 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 की चेन और फिर से 6 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया डालते हुए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है। मैंने इसमें ये 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाले हैं पूरी रो में। अब देखिए मैं इसके आगे की रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इसमें मैंने ये 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 3 की चेन और फिर से 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 7 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, 7 डबल क्रोशिया 3 की चेन, इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 7 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इसमें मैंने 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और 1 2 3 की चेन और 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 की चेन 4 8 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 डबल क्रोशिया और 3 की चेन बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है, देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें 8 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाले हैं। अब देखिए मैं आगे की रो बनाती हूँ इसकी। अब इसमें मैं 9 डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर 10 11 12, इस तरह से डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते जाना है आगे को। देखिए अब आगे की रो बनाती हूँ मैं इसकी। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए मैंने इसमें ये 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 की चेन और 9 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 9 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाल दिए हैं और पूरी रो में 9 डबल क्रोशिया ही डालना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 9 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाले हैं। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं देखिए इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, आगे की रो। वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10। देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 3 3 की चेन और 10 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया डालते हुए और बीच में 3 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 10 डबल क्रोशिया डाले हैं वो 3 की चेन। इस तरह से ये बनकर आ रहा है थाल पोस। देखिए मैं इसके आगे की रो बनाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब इसमें मैं 11 डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए ये मैंने 11 डबल क्रोशिया डाल दिए। अपन 2 3 3 की चेन और 11 डबल क्रोशिया। ये 11। देखिए इस तरह से 11 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। मैंने इसमें 11 डबल क्रोशिया डाले हैं और 3 की चेन। अब देखिए मैं आगे किसकी रो बनाती हूँ। इस तरह से आई है ये रो बनकर। अब देखिए मैं इसमें 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए ये मैंने 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन, 3 की चेन और 12 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये रो को कंप्लीट करना है। 12 डबल क्रोशिया डालते हुए और यहाँ पर 3 की चेन। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाले हैं और 3 की चेन। इस तरह से ये थालपोस बनता हुआ आ रहा है। देखिए ये डिज़ाइन आ रहा है इस तरह से। अब देखिए मैं बनाती हूँ आगे की रो। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 30। देखिए इसमें मैंने ये 13 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं 13 और 1 2 3 3 की चेन और फिर से 13 डबल क्रोशिया 13 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये 13 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 13 डबल क्रोशिया डाले हैं, 13 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इस तरह से आई है ये रो बनकर। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। अब इसमें मैं 14 डबल क्रोशिया डालूंगी, 14 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ही 14। देखिए मैंने इसमें ये 14 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 14 डबल क्रोशिया। अब 3 की चेन, 1 2 3 3 की चेन और 14 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 14 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 14 डबल क्रोशिया 3 की चेन, 14 डबल क्रोशिया 3 की चेन। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 14 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 14 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। इस तरह से ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो बनानी है। अब इसमें मैं 15 डबल क्रोशिया डालूँगी, 15 डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया अब डालनी है। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। और एक ये 15। देखिए इसमें मैंने ये 15 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 15 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 की चेन और फिर से डालना है 15 डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया। देखिए 15 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, रो को कंप्लीट करना है 15 डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से बनकर आ गई है ये रो भी। मैंने इसमें ये 15 डबल क्रोशिया डाले हैं, 15 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। देखिए इस तरह से बनानी है। देखिए अब मैं इसकी रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6, ये हो गए हैं 6। सेवन, 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए इसमें मैंने ये 16 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 16 डबल क्रोशिया, इसमें 16 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 3 की चेन और फिर से 16 डबल क्रोशिया, 16 डबल क्रोशिया डालना है। की चेन इसी तरह से देखिए इसमें 16 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। मैंने इसमें 16 डबल क्रोशिया डाले हैं और 3 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब इसमें हो गई है पूरी ये 16 रो, 16 रो इसमें बन गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये 16 रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ। इसका बॉर्डर बनाना है अब तो देखिए इस तरह से बनाना है, बताती हूँ बॉर्डर बनाना। 1 2 3 की चेन और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी मैं। ये जो मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन और 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। 1 2 और ये 3, देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 3 की चेन लेना है और 1 चेन नीचे स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है इस तरह से। 1 2 और ये 3, देखिए ये मैंने 3 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से 3 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन और 1 चेन को छोड़ देना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया डालते हुए। इस तरह से आई है ये बनकर रो। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बना देती हूँ, अगली रो, वो भी 3 डबल क्रोशिया डालने हैं और 3 की चेन। अब देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। अब 1 2 3, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर डालना है ये 3 डबल क्रोशिया 3 की चेन में। 1 2 और ये 3। देखिए फिर 1 2 3, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये मैंने बॉर्डर की सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है। 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन ही डाले हैं मैंने इसमें और इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी एक और रो बनाती हूँ 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन की। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, फिर 1 2 3, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डालते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर की तीसरी रो भी कंप्लीट कर दी है। 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया डाले हैं। तो देखिए इस तरह से ये आ रहा है थाल पोस्ट बनकर। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। ये मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब इसमें मैं 3 की चेन डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए इसमें डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 8 की चेन डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने 8 की चेन डाल दी है। अब फिर मैं ये डबल क्रोशिया डालूंगी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर मैं यहाँ पर भी डालूंगी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 की चेन में 1 2 और ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये मैंने 8 की चेन डाल दी है। अब फिर यहाँ पर डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया लिया और इसी तरह से डाला 3 डबल क्रोशिया 2 और ये 3। देख फिर यहाँ पर भी मैं 3 डबल क्रोशिया डालूंगी 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर मैं 8 की चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मैंने 8 की चेन बना ली है। अब यहाँ पर डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चेन में भी डालना है 3 की 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये डालना है बॉर्डर। देखिए 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 8 की चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 8 की चेन। देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की चेन। देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है पूरे में। इसी तरह से मैंने ये बनाई है। अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है। देखिए अब मैं बुनती हूँ इस तरह से। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। देखिए आगे बढ़ा दिया है मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए। देखिए डबल क्रोशिया डालूंगी इसमें चेन में। 12 डबल क्रोशिया डालना है 2 3 4 5 6 1 2 3 4 की चेन और इस तरह से चेन में को डालकर बुनना है सिंगल क्रोशिया। देखिए और फिर से 6 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 12 डबल क्रोशिया 3 4 5 और ये 6। देखिए मैंने इसमें ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए फिर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लेती हुई बुनती हूँ इस तरह से। सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर डाल दी है, बुन दिया है इसको। अभी यहाँ पर डालना है 12 डबल क्रोशिया चेन में 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 की चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है और फिर से 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस पे भी मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है इस तरह से। देखिए और फिर यहाँ पे डालना है 12 डबल क्रोशिया। ये हो गए 6 1 2 3 4 4 की चेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनना है। डालना है 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए चेन में डालना है 12 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आएगा और पूरा बॉर्डर इसी तरह से बनाना है 12 डबल क्रोशिया डालते हुए और यहाँ पर 4 की चेन बनाना है। तरह से आएगा ये बॉर्डर। 4 की चेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनना है। फिर 6 डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 12 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है। मैंने इसका ये बॉर्डर भी अब कंप्लीट कर दिया है और ये मैट भी थालपोस भी कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आया है इसका बॉर्डर। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बॉर्डर अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से आया है ये बॉर्डर बनकर। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आया है और ये थालपोस भी अब कंप्लीट हो गया है मैट। आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये मैट आपको थालपोस कैसा लगा। देखिए ये थालपोस अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।